हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। दोपहर के 2:30 बज चुके हैं और यहाँ पर खाने पीने के सारे काम निपट गए हैं। बस चूल्हे की लिपाई रह रही है, बाकी पोछा वगैरह मैंने चूल्हे के एरिया में लगा दिया है। और यहाँ पर भी माँ भी लग गई है दूसरे काम पर। अभी माँ आराम कर रही थी, आज बस ये गेहूँ साफ करना है। और ये मुझसे साफ करना नहीं आता है, जैसे माँ इसे छाछ चलाती है ना दोनों हाथों से, ये नहीं होता मुझसे। झरने में निकाल लेती हूँ या फिर गेहूँ को धो लेती हूँ। और धोने का मौसम है ही नहीं बिल्कुल भी। आज सूर्य देवता ने तो दर्शन ही नहीं दिया, आज तो कपड़े ही सूख जाए, इतना ही शुक्रिया अदा बहुत है। और ये स्कूल से आते ही साइकिलिंग करने लगी है, और साइकिल पे राइड करना इसे अच्छा लगता है, घूमना। एक्सपर्ट बननी, पहले तो मेरे एक्सपर्ट बननी, 2 बार गिरी है और बाकी बार चलाना सीख गई है ये। और उधर प्रीति भी फ्री हो गई है, नंदनी अभी सो रही है, पिताजी उसके पास में है, माँ यहाँ पर गेहूँ साफ कर रही है। तो माँ कुछ हेल्प करूँ क्या, झरने झूरने में निकाल लूँ कैसे? इतना नहीं है ये तो, बस जरा सा फटका मारना नहीं साफ है तो थोड़ा सा इसमें फटका ही मारना, बिल्कुल साफ गेहूं है ये इस बार हमारा। और गेहूं साफ करने की ड्यूटी, साग बनाने की ड्यूटी, मिट्टी चूल्हे सही करने की, हरे बनाने की, ये सब ड्यूटी माँ की होती है। बस हम तो देखते रहते हैं और सीखते रहते हैं, सीख ही लेंगे, कोई बात नहीं, धीरे धीरे। ये देखो जैसे खाना बनाना सीख लिए ना माँ के जैसा, तो ऐसे ये सब काम भी सीख लेंगे, लेकिन समय लगेगा और भी थोड़ा सा। हाँ, फिर भी थोड़ा करना ही पड़े। ये देखो बिल्कुल साफ गेहूँ है, ना कंकड़ है ना कुछ है, लकड़ी वगैरह कुछ नहीं है इसमें, बिल्कुल साफ गेहूँ है। लेकिन फटका लगाना बहुत ज़रूरी है, इसे फटका ही बोलते हैं, जो छाज से झाड़ते हैं ना जब इसे साफ करते हैं, इसको फटका लगाना ही बोलते हैं। गेहूँ में लगा दिया है आज फटका। आज मैंने पूजा करके जो है कपड़े धोए थे सुबह के टाइम, तो अब इनको ये सूख गए हैं, सुबह जल्दी मैंने इनको धो दिया था। अब इनको कपड़ों को पहना देते हैं और व्यवस्थित तरीके से अपनी मूर्ति अभी मंदिर में सजा देते हैं। छोटा सा ही मंदिर है, मंदिर छोटा सा हो या बड़ा सा हो, मन में श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए, बाकी और क्या है। तो चलो जी करते हैं अपने मंदिर की साफ़ सफाई। ये देखिए सारा सामान मैंने यहाँ पर मेज पे लगा कर रख दिया था, और यहाँ पर ये जगह खाली कर रखी है क्योंकि कपड़ा मैंने सुबह ही लगाया था इसमें, जब ये कपड़े निकाले थे भगवान जी के। तो माँ लाई थी ये तस्वीर जब नवरात्रे चल रहे थे, एक ये भी लाई थी कान्हा जी की और राधा जी की। आज हमें पूजा घर क्लीन होना है क्योंकि बहुत दिन हो गए। नीचे बिछाने वाले कपड़ा जो मैंने खुद ही बना रखा है, तो सारे कपड़े जो हैं मैंने भगवान जी के लाल रंग के ही बनाकर तैयार कर रखे हैं। सबसे पहले मैंने माता रानी की प्रतिमा को यहाँ पर रखा है, और फिर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी। तो ये मूर्तियाँ जो हैं माँ अब की बार नवरात्रों में लेकर आई थी, जो पुराने वाली हमारी माता रानी की मूर्ति थी उसका हम लोगों ने अब की बार विसर्जन कर दिया था जब नवरात्रे आए थे, क्योंकि उसमें जो है कहीं कहीं पर निशान पड़ गए थे और वो खंडित हो रही थी। तो यहाँ पर अब की बार नई माता रानी की प्रतिमा हम लोग लेकर आए थे। तो ये है जी हमारा मंदिर, जहाँ पर हम लोग सुबह नहा के पूजा करते हैं और फिर जाते हैं अपनी किचन में। तो यहाँ की भी आज मैंने थोड़ी सी साफ़ सफाई कर दी है, और सुबह के लिए और शाम के लिए ये सारी तैयारियाँ अभी से कर दी है मैंने। और कपड़े मैंने सुबह तभी धो दिए थे जब हम लोग जो है सुबह की क्लीनिंग में लगे हुए थे, और मैं सोच रही थी आज मैं मंदिर में साफ़ सफाई ज़रूर करूँगी। और अभी हमारा सारा घर का काम निपट गया है और कपड़े भी ये सूख गए थे, तो मैंने सोचा सारा सामान मेज पर रखा हुआ है, छोटे बच्चे स्कूल से आ गए हैं तो उनसे बचाने के लिए, मंदिर में वो छेड़छानी नहीं करते हैं, अगर तस्वीरें जो है मेज पर रखी रहती तो वहाँ पर छेड़छानी कर देते, तो साथ के साथ यहाँ पर इसका पर्दा भी लगा देते हैं जो मैंने खुद से ही तैयार कर रखा है। तो देखिए जी कितनी अच्छी छवि है माता रानी की और भगवान श्री कृष्ण की। तो मंदिर जो है हमारा सज के तैयार है। लाइट आ रही है अभी, और मौके का फायदा उठाने के लिए प्रीति ने यहाँ पर ये देखिए ये काम भी शुरू कर दिया है, साथ के साथ शादी में जाने की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है, कपड़ों पर इस्त्री की जा रही है। ये देखिए प्रेस भी बोलते हैं, इस्त्री बोलते हैं। तो जी सबसे पहले पिताजी के कपड़ों पे कर रही है प्रेस, कपड़ों पे कई सारों पे तो करी हुई रखी थी लेकिन सलवट से हो जाते हैं, जैसे नीचे से कपड़े निकालते हैं ना बक्से में से, तो वो हो ही जाते हैं उलट पुलट थोड़े से, वहाँ पर रख लिया है इसने। तो साड़ियों पर ड्रैग क्लीन कराएंगे, प्रेस भी वहीं पर होकर आएगी। तो जी अब करेंगे तैयारी,
बैग वैग खाली करना है जिसमें कपड़े रखे हैं, उसमें प्रीति अपने कपड़े लगाएगी। 4 तारीख को फिर ये जाएगी, 4 में 5 में ये बाद तक रह के आएगी ना, तो इसलिए पहले शुरू में नहीं जा रही, ज़्यादा दिन पहले ये बाद में रह कर आएगी, शादी के बाद में। बाद में भी तो काम बहुत होते हैं, वो कहते नहीं क्या कह रहे हैं, शादी का पीछा थामना, वो काम इसका है, वो काम ये करेगी। तो चलो जी, तैयारी तो हो रही है, हमें तो बता दो हम कब जा रहे हैं। इसके पेपर है या नहीं जाने की बिल्कुल भी? एक बात बताओ, सबकी शादी इनके पेपरों में ही हो, उन्हें पता नहीं ऑटोमेटिकली क्या संयोग बनाए हो। इसकी मौसी की बॉबी की शादी हुई जब पेपर, रवि की शादी हुई जब पेपर। हाँ तो फिर भी पेपर थे। अब इनकी पूजा मौसी की शादी है, फिर पेपर। अर्चन ने पेपरों की है, बताओ जी, इन्हें पेपर अर्चन लग रहे, और उधर शादी है, थोड़ा एंजॉय करने का मन है क्योंकि इनकी मौसी की शादी है। शादी तो बार और पर्सनल शादियों में रोज रोज जाना होता नहीं किसी का। देखिए वैसे ही मौसा मामा के यहाँ पे कभी कभी जाना हो तो ये सोच रहे कि शादी के बहाने नानी के घर घुमाएंगे। अपने चाचा की शादी में गए थे अपने नाना के वहाँ पे। हाँ तभी गए थे, इससे बात तो हम गए ही नहीं। अब जाएंगे अपनी मौसी के। कोई बात नहीं, मामा भी तो है, उसकी भी तो शादी होगी फिर। मैं तो कई बार जाली, मैं तो घूम या तो जत्ती रहे या तो छोटी ही लेन लुआन छुड़वान ये सारी प्रक्रिया में सब इन करवाए। पर छिंकी को एक मलाल है, बग्गी पर सबसे ज्यादा कौन बैठा था? मैं कितनी बार बैठी थी चिंकिया? मैं उतरी नहीं थी बैठी, इतनी बार क्या नो कह रही चिंकी वहां से मुझे चिंकी पापा जी जब भी मैं बग्गी में बैठू थी चाचा की गोद में तो मुझे चिंकी गुड्डू उठा दे थी और अपने आप बैठ जाती। 10 बार बैठी, 5 बार इधर से, 5 बार उधर से, और इसे 1 बार ही बिठाया। बताओ जी, कोई बात नहीं, मुझे भी याद है 10 बार बैठी थी। इसके याद है भूलने की नहीं गुड्डू या कभी भी, ठीक है। तो चलिए जी आपको मिलवाते हैं किसी खास से। ये देखिए आज आई है बॉबी और उसको देखने के लिए, इसने वीडियो देखा था और वैसे तो डेली बात होती है, ये बोली कि मैं और उसको देखने के लिए आ रही हूँ। ये आई थी सापुर इसे आज सारा दिन यही रहना पड़ेगा और उसका कहना है, लेकिन ये कन्नू को नहीं लेके आई और कन्नू अपनी मौसी का इतना लाड करता है बहुत ज़्यादा, लेके आना चाहिए था ना, लेके आना चाहिए था। वो ये कह रहा था कि मैं मौसी के यहाँ पे जा रहा, तो वो है ना स्कूटर लेके चल दिया था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि सच में हम जा रहे हैं। तो उसे मम्मी ने घर ही रख लिया था कि रहने दो, ठंड हो रही है, वैसे भी बाइक में इधर उधर घूमते रहता है। ये अपनी आंखों का ट्रीटमेंट कराने के लिए आई थी सापुर हॉस्पिटल में, तो यहाँ से 12 किलोमीटर ही पड़ता है हमारे यहाँ से, फिर ये मेरे पास भी आ गई। आरुषि बेटा पीछे हो जाओ, आरुषि आ जाओ बेटा इधर, और आरुष से मिल लिया है, खाना मैंने से खिला दिया, जो कुछ बना पका रखा था ना दोपहर के टाइम में वही खिला दिया मैंने तो। नहीं, और किसके साथ आई है? संजय के साथ में आई है, संजय जी गए हैं अपनी ड्यूटी, इसे यहाँ पर छोड़कर आसपास के एरिया में ही है आज उनकी कॉल, तो वो चले गए हैं इसे छोड़कर, फिर शाम के टाइम जब वापस जाएंगे घर तो इसे लेते जाएंगे। तो इस बहाने से मिलना भी हो गया, मिलाना भी हो गया, आंखों की जांच भी हो गई, यार उस भी देख लिया, देखो कितने एक पंथ दो काज, इसने तो एक पंथ में बहुत सारे काम कर लिए। वैसे तो मैं आरुष की जैसे आई थी क्योंकि इसे देखने को मन कर रहा था बहुत ज़्यादा, और इसे देखना है अभी धनिया पालक मैंने कहा बब्बू अभी वो होया नहीं उगा नहीं, बस मेथी मेथी उगी, मेथी जल्दी उग जाती है ना, बस वो होगी। कैरी फिर भी दिखा के ला मगर चल। तो बॉबी को मैंने अपना किचन गार्डन दिखा दिया है, अभी वहाँ पे कुछ खास नहीं उगा, जब उगेगा ना फिर आना तब दिखाएंगे, ठीक है। नंदनी और आरुषि भी आ गए हैं, चलो चलो नीचे चलते हैं, चलो आ जाओ। हो रही भाई बहुत ज्यादा, बहुत हल्की है नंदू तो, चलो हम तो ऊपर छत पे आ रहे थे। ये आ गए हैं और उसके मौसा ड्यूटी करके आ गई हैं। तो जी इसको ना मैं और उसको देखने आया और उसके पता लगा मुझे पेट में ना पथरी हो गई है। कितने पत्थर खाए, पत्थर तो खत्ता था कन्नू और पेट में पथरी भी इसके। हाँ देखो इसने तो कभी मिट्टी भी नहीं खाई। हाँ, इसने मिट्टी खाई और कन्नू खूब मिट्टी खाता था, वो होती है सीमेंट। अच्छा, सीमेंट खाता था। बताओ इसने कभी कोई ऐसी चीज नहीं खाई, उसके पेट में कितने पत्थर होंगे फिर बताओ। और ये कह रहा आज पकड़ लेते हैं बढ़िया। हाँ ये कह रहा कि इन्हें जाना नहीं चाहिए था आज, तो इन्हें यही रहना है। उसको आना था, वो आया नहीं, वो आया नहीं है। मौसा जी गलती है ना, मौसा जी लेके नहीं आए। नंदू हाय बोल दो, हाय बोल दो। नंदनी अपनी मौसी को कैसे देख रही, और यहाँ
पर प्रीति कई दिन से बोल रही है कि मुझे कुछ कपड़े तैयार कराने हैं, ये टेलर के देखे आओ, लेकिन ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है। और दो दिन प्रीति अपने मायके रहकर आई है, तो अब ये तैयार करने के लिए भेज रही है। लाइट चली गई है और प्रीति कह रही कपड़े बहुत सारे थे, थोड़े से पोई और ये कपड़े तैयार करवा रही है। ये एक तो ये वाली साड़ी और दो ब्लाउज, ये ब्लू वाली और एक ये, और एक की फिटिंग होगी सही। अच्छा। दिल्ली है, ज़्यादा दिल्ली है। तो ये कपड़े जाएंगे टेलर के यहाँ पर अब, और इसका आएगा फाल, फिर ये तैयार करवाएगी। दो तीन दिन में तैयार हो जाएंगे, जब तक जाने का नंबर आएगा मायके इसके। मैं तो बाद में सिलवा लूँगी ये वाली ब्लाउज, गोल्डन चल जाएगी इस पर तो। और वैसे भी इस पर गोल्डन है तो गोल्डन चल जाएगा। बॉबी भी देख रही है, जुबाई आ रही है। सुबह से चली रही ना, इनके ऑफिस में भी चले गए थे और फिर यहाँ आए बाइक पे, और हवा लगी आंखों में तो दर्द हो रहा आंखों में, कुछ आंखों के वजह से भी सिर में दर्द होगा। हाँ ये देखिए 4:30 बजे की चाय, समोसा चाय तैयार है, और चिंकी भी एकदम तैयार है। चिंकी का ध्यान समोसे में ही है। 8 समोसे चलो तो कितनों पर। अच्छा प्रीति ने नहीं गिनती की, चिंकी ने गिनती कर ली। गुड्डू एक स्टूल और लेगा छोटे वाला, 10 पार्टी चल रही है। अच्छा 10 थे समोसे। अच्छा ठीक है, और अब तो जी समोसा पार्टी के बाद में अब चलने की तैयारी हो गई है बॉबी की। और कन्नू को नहीं लेकर आए थे, बोल रहे थे वो ज्यादा शरारत करता है बाइक पे। और एक लौकी भी मैंने इन्हें दिया है कि मौसी को बनाकर खिलाना, ये हमारे घर के लौकी है। और बॉबी को मैंने एक हंडी भी दी है मिट्टी की साग बनाने के लिए, क्योंकि वो भी मिट्टी के चूल्हे पर कभी कभी खाना बनाती है। 10 रुपये तुरतरे का ही हो मौसी जी इन 10 रुपये से तुरतरे खा लियो तुरतरे। दस रुपये के पापा जी, पापा जी 10 रुपये ते तुरतरे खाओगे ना। ये देखो चीकू खाया नहीं, ये देखो फ्रूट्स, तो ये बच्चे पता नहीं क्या कर कर आएंगे, खाते ही नहीं बिल्कुल भी। ये चीकू ले रही है, बहुत मीठा है, खा के देख। अच्छा वो वाली बाइक क्यों नहीं लेके जा रहे, अंधेरा होने वाला है ना तो लाइट जरूर चाहिए, उसमें लाइट नहीं है, गड़बड़ कर दी, लाइट बंद है उसकी हेडलाइट। अच्छा। और इसमें हेडलाइट है तो इसे लेके जाना पड़ेगा। और दवाई ला रहा हूँ भैंस की, पता नहीं क्या चल रहा है कई दिनों से, मतलब स्वास्थ्य में गड़बड़ाहट है, फैमिली मेम्बर्स हैं कई सारे और ऊपर से अब भैंस भी। और चलो जी ठीक ठाक हो जाएंगे सब, भगवान से यही दुआ करते हैं। अभी तो मैं भैंस की दवाई लेके आ रहा हूँ क्योंकि उसे भी प्रॉब्लम है थोड़ी सी, पता नहीं उसके थन में कुछ हो गया है एक में, और वो है ना दुखता है उसका एक थन, तो उसकी दवाई लिखी है डॉक्टर ने वो। और गाय भी परेशान है सुबह से, अब उसकी डिलीवरी होने वाली है, अब देखते हैं रात में होएगी तो जी, उसके लिए भी चौकन्ने हैं कई सारे लोग कि ज़्यादा दिक्कत ना हो। डॉक्टर को एक बार चेक करवा दिया बुला के, बाकी अभी देखते हैं क्या होगा। फिलहाल तो मैं दवाई ले आऊँ, नहीं तो फिर रात होने वाली है। बॉबी भी चली गई है और अब मैं करूंगी घर के काम। आज जो है अभी तक सूखे हुए कपड़े भी ऊपर से नहीं लाए गए हैं, अब लेकर आऊंगी और पहले करूंगी चाय के बर्तन साफ। अभी ये जा रहे हैं मेडिकल स्टोर तक, और कस्बे में बुढ़ाना में मिलेगी ये दवाई। और ये नंदनी जो है वो अपने पापा के साथ चलने की जिद करती है, जब भी ये किसी भी व्हीकल्स पर जाते हैं तभी ये जिद करती है मैं जाऊँगी अप्पा अप्पा करके, मतलब जो है ये साथ में चली जाती है। देखो मुझे उधर का रास्ता दिखा रही है, आप अंदर जाओ और मैं पापा के साथ जाऊंगी। ये देखो वो बैठ गई, लेकिन इसे मेरी गोद में आना ही होगा। बर्तन मैंने साफ कर दिए हैं, अभी चलते हैं ऊपर कपड़े लेने के लिए। और देखिए दिन छिप गया है, आज तो अंधेरा हो गया कपड़े सूखे उतारने के लिए भी। यहाँ पर बच्चों की चल रही है मस्ती, और पिताजी ने चक्की लगा दी है गेहूँ पीसने के लिए।
इसे किसी भी टाइम कैसे भी पीस लो, और कोई भी पीस सकता है, बच्चा भी छोटा सा, कोई परेशानी वाली बात नहीं। माँ ने गेहूँ साफ करे थे ना जो, तो साथ के साथ ही धूप तो निकलनी नहीं आज, इनकी पिसाई शुरू होगी। ये देखो ये चल रही, थोड़ा सा गेहूँ रह रहा बस इसमें, नंबर दो पे चल रही जाली। इसमें जो है छलनी वे अलग अलग नंबर की है, अगर पशुओं के लिए राशन पीसना उसके लिए अलग अलग आएंगे मोटे वाली, जो अपने लिए जिसे गोल बोलते हैं मतलब खाने लायक वो वाली लगा दी है अब छलनी से। और यहाँ पर नंदनी की मस्ती चल रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस वीडियो का यहीं पर कर देते हैं एंड, और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम। बंदर आ रहे थे, मैंने कहा हाँ इतने मोटे मोटे बंदर, और नंदनी बताओ कैसे कर रही, हो अब भी देख लो। बढ़िया लग रहा है।